मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रही कोरोना महामारी। अंतिम संस्कार शवदाह के लिए मांगे जा रहे 15,000। तिनसुकिया में कोरोना मरीज के शवदाह के नाम पर लूट का मामला आया सामने। गरीब परिवार के लिए कोरोना संकट के दौर में टूटा दुखों का पहाड़। तिनसुकिया की इस बेटी का दर्द सुनिए इसकी जुबानी। রাতি মানে কোনো গমে পোৱা নাই যে মানুহটো ঢুকালে যে চিভিলৰ পৰা কলে যে কোভিড চেণ্টাৰ আমি গলো তাত গৈ কৈ সুধিলো বোলে আহি আছে লাষ্টটো আমি কেতিয়া 9টা বজাত গলো তেতিয়া বোলো আহি আছে লাষ্টটো আহি আছে কৈ আছে আমি ৰখি দিলো তাত মিউনিচিপালিটি অফিচাৰৰ ওচৰত মিউনিচিপালিটি অফিচত কলে যে আমাৰ ইয়ে আপুনি যদি ল'ৰা মানুহ নাই তেতিয়া আপোনাৰ 15,000 টকা দিব লাগিব তাৰপিছত আমি লাষ্ট জ্বলাব পাৰিম। विगत शुक्रवार को तिनसुकिया शहर के राजा अली रोड निवासी सिंधु दे को कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद शहर के सिविल अस्पताल में जाया गया, जहां से उसकी हालत गंभीर होने के चलते उसे डिब्रूगढ़ चिकित्सा महाविद्यालय भेज दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। लेकिन उसकी मौत के बाद उसके परिजनों से अंतिम संस्कार के नाम पर 15,000 रुपए की मांग की गई। एक तो कोरोना संकट में गरीब तबके के समक्ष रोजी रोटी की समस्या, ऊपर से ये 15,000 की रिश्वत की मांग। गरीब सिंधु दे की बेटी करे भी तो क्या करे, कहां से लाए अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपए। मिली जानकारी के अनुसार तिनसुकिया नगर पालिका से किसी ने अंतिम संस्कार के नाम पर 15,000 रुपए की मांग की गई। आपको बता दें कि मृतक सिंधु दे के परिवार में अब केवल उसकी पत्नी व 2 बेटी हैं, जो कोरोना संकट के दौर में जैसे तैसे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ऐसे में 15,000 की राशि उनके लिए जुटा पाना बेहद मुश्किल है। मृतक सिंधु दे की बेटी से हुई बातचीत को सुन आप भी सहम जाएंगे कि आखिर कौन इस प्रकार कोरोना मरीज के अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे मांग रहा है। हेलो सर, मुख म्यूनिसिपालिटी ऑफिसर पर नंबर तो दिले अपनार। আপোনাৰ কিবা বোলে লাষ্টটো আনিলে বোলে আপোনালোকে বোলে কিবা লড়া দিলে বোলে পয়সা লাগে বোলে। হয়, তাৰমানে এইবিলাক প্ৰফেচনেল প্ৰফেচনেল হয় হা, যদি এনেকুৱা কৰে এইবিলাক কেছত যিবিলাক এক্সপায়াৰ হয় সিহঁতে তো ফ্ৰীত নকৰিব। মই মানে জাষ্ট মানুহকেইজনক কৈহে দিব পাৰিম আৰু। আপোনাক মানে কিমান দিব লাগিব এইটো? সিহঁতে বহুত ডিমাণ্ড কৰে এইবিলাক কেছত। আপুনি কৈ দিয়ক, আমি মানে কিবা মেনেজ তো, আমাৰ ঘৰত ল'ৰা নাই ছাৰ, আমি বহুত গৰীব মানুহ হয়। নহয় মই নাই নাই, কথাটো সেইটো নহয় অ, এতিয়া যিকেইটাই কৰিব সিহঁতে এক্সকিউজে নকৰে নহয়। সেইটোতো উপায় নোহোৱা হৈছে না, সিচুৱেশ্যন এনেকুৱা, মই কি কৰো মানে এনেকুৱা ধৰম সংকট মানে। আচ্ছা ঠিক আছে ছাৰ, হ'ব। आपने सुना किस प्रकार तिनसुकिया के राजा अली रोड निवासी सिंधु दे नामक कोरोना मरीज की बेटी से किस प्रकार अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपए की डिमांड की जा रही है। आखिर इन संवेदनहीन अधिकारियों पर क्या मंत्री हिम्मत विश्व शर्मा कोई कानूनी कार्रवाई कर पाएंगे, ये सवाल हर किसी के जेहन में गूंज रहा है। असम के तिनसुकिया से संतोष महतो की रिपोर्ट।